अयोध्या ओएन एकेडमी बारून बाजार में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। विद्यालय में झंडारोहण करके सरस्वती माता और अमर बलिदानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके समाजसेवी सुनील कुमार पांडे व वरिष्ठ समाजसेवी लोकेश कुमार द्विवेदी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का उद्घाटन प्रबंधक धर्मपाल पांडे व समाजसेवी लोकेश द्विवेदी और रविन्द्र पांडे के दिशा निर्देशन में प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी विद्यालय कैंपस से शुरू होकर बारून बाजार से होते हुए विद्यालय कैंपस में इसका समापन हुआ। छात्र छात्राओं द्वारा भारत माता की जय वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा बाजार देशभक्ति के रंग में रंग गया। प्रभात फेरी जिस गली मोहल्ले से गुजरती हुई सभी कस्बेवासी घरों दुकानों से बाहर निकलकर पदयात्रा का स्वागत करते नजर आए। कृष्ण कुमार कौशल, कुमार रामदेव कौशल और रामकिशोर गुप्ता जी ने अपने प्रतिष्ठान पर बच्चों के लिए मिष्ठान की भी व्यवस्था की। नारों और बच्चों के जज्बे को लेकर जो कहा जा रहा था वहीं पर तिरंगे के सम्मान में रुक जाता है। इस दौरान मीडिया प्रभारी श्री रविशंकर तिवारी जी ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी रविंद्र पांडे, आईसीआई बैंक मैनेजर विकास गौरव श्रीवास्तव जी, उपेंद्र तिवारी जी, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व स्थानीय लोग मौजूद रहे। साल रैली भी निकाली गई। अमृत महोत्सव में कई दिनों से यहाँ रैली निकाली जा रही है और यहाँ के टीचर लोगों ने बहुत ही सुंदर रैली निकाली गई और बारूम बाजार के लोगों ने बच्चों को मिष्ठान वितरित भी किया। और आइए हम आज के इस महोत्सव के बारे में स्कूल के टीचर लोगों से जानते हैं। ये मैडम, आज का जो कार्यक्रम आपके विद्यालय में था, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज ही तिरंगा यात्रा विच हैज़ बिकम द मोर पावरफुल मीडियम ऑफ अवेयरनेस ऑफ पब्लिक एंड ऑल्सो अवेकिंग द सेंस ऑफ लाइक रिवरेंस एंड रिस्पेक्ट एंड वी कोलैबोरेट विद दिस सिंबल ऑफ नेशनल पैट्रियोटिज्म एंड एज वी नो योगी आदित्यनाथ ऑन ट्यूजडे सेट द पीएम नरेंद्र मोदी स्लोगन हर घर तिरंगा हैज़ नाउ बिकम अ वेरी बिग मास मूवमेंट and this is completed as a part of Azadi ka Amrit Mahotsav of 75th for its independence to 9th to 15th of August. बहुत सुंदर मैडम ने जैसा कि बताया। आइए हम सर से जानते हैं, सर क्या नाम आपको है? सर, आज के इस महोत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बच्चे देखते हैं कितना बढ़िया व्यवस्था की है और बाबू हमना पीछे करो। बहुत सुंदर, आज का ये बहुत अच्छी व्यवस्था विद्यालय की तरफ से थी। गणेश के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का हमारे विद्यालय का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया घर घर तिरंगा अभियान के तहत था। इसके तहत हमारे विद्यालय यानी अकेडमी के बच्चों ने एक भव्य रैली भी निकाली। पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ ये रैली निकाली जा रही है और हम देशवासियों को सबसे पहले आज देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसी की खुशी में आज हम ओएन अकेडमी विद्यालय आए थे और इस बारून बाजार में यहाँ के वासियों ने मिष्ठान वितरित किया। इतना ही नहीं, पूरे बच्चों को, गार्जियन को और विद्यालय के सभी स्टाफगण को मिष्ठान वितरित किया। आइए हम जानते हैं, सर ये हमें पता लगा हर वर्ष आप इसी भांत जो है मिष्ठान वितरित करते हैं, इसके बारे में आज आप क्या कहना चाहते हैं? आज देश लोकतंत्र दिवस मना रहा है, इसलिए हमें बड़ी खुशी है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो एक संदेश दिया है हर घर का, हर घर में तिरंगा हो, इसका हम लोग सही ढंग से उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है, देश हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये हर वर्ष जो आप बच्चों को मिष्ठान वितरित करते हैं, इससे आपको बड़ी खुशी मिलती है? हमें बड़ी शांति मिलती है। बच्चे किसी दिन, हम भी बच्चे थे, हम भी ऐसे प्रभात फेरी में निकलते थे, मुझे आज भी मालूम है कि हम भी कभी गांव में ऐसे निकलते थे, दो रेवड़ियां दो बतासे मिल जाते थे, हमको बहुत खुशी होती थी। जी बहुत बहुत बधाई, ईश्वर करें आप हर वर्ष इसी वर्ष की भांत और भी विद्यालयों को खूब मिष्ठान बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय सिटी TV 24 न्यूज़।